Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today in this video I'll talk about this literary piece that was published in journals or columns, A Diary of a Social Butterfly, that is written by Moni Mohsin. अब ये जो है कोई एक नावल की शेप में नहीं आया था, बल्कि ये फ्राइडे टाइम्स का न्यूज़पेपर था एक, और हर वीक ये इधर पब्लिश होता था एंड देन ये एक स्टोरी फॉर्म में बन गया और फिर ये पब्लिश हो गया. सो दिस नावल टेक्स रीडर्स ऑन अ व्हिमसिकल जर्नी थ्रू द आईज ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई. इस नावल की जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम नहीं है, लेकिन हम लोग उसको सोशल बटरफ्लाई के नाम से ही जानते हैं. हुज लाइफ एक्सपीरियंसेस इल्यूमिनेट द न्यूसेंसेस ऑफ क्लास आइडेंटिटी एंड सोशल नॉर्म्स इन ए कैप्टिवेटिंग नैरेटिव. हमारे इस जो लिटरी पीस में क्लास डिस्टिंक्शन का बताया हुआ है, आइडेंटिटी का बताया हुआ है, आइडेंटिटी क्राइसिस का भी बताया हुआ है, सोसाइटल नॉर्म्स, हमारे किस तरह की सोसाइटी है, हमारी किस किस्म के स्टेटस हैं सोसाइटी में. तो ये एक काइंड ऑफ एक फैमिली बताई गई है जिसमें एक सोशल बटरफ्लाई होती है. ये वुमेन होती है, मैरिड वुमेन, इसका एक हस्बैंड होता है और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम कुलचू होता है. अब मोस्ट ऑफ द सटायर, ये एक सटारिकल नावल कहा जाता है. अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसने सटायर किया है वो पॉलिटिकल इश्यूज में किया है. एक इसने मदर इन लॉ पे किया हुआ है, अपने हस्बैंड पे भी किया है, और किस तरह हमारी सोसाइटीज़ हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो ये सारे इश्यूज को मिलाकर इस पे ये सटायर है. तो द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, तो हमारा जो पाकिस्तानी सिस्टम है ये इट्स अ ब्लेंड ऑफ इंग्लिश, उर्दू एंड पश्तो. लेकिन इस पूरे लिटरी पीस में इंग्लिश और उर्दू का एक ज़्यादा बताया गया है, बिकॉज ये एक जो एरिया है ये साउथ एशिया को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वाले एरियाज आ जाते हैं. सो ये तो जस्ट पाकिस्तान में पश्तो बोली जाती है, पाकिस्तान में भी. देन वी हैव सर्टन पार्ट्स दैट इज खैबर पख्तूनख्वा. तो ये जो पूरा या ये कराची या लाहौर का एरिया बताया गया है. सो बोनी मोस, अच्छा, यूज ऑफ लैंग्वेज क्या है, किस किस्म की लैंग्वेज, बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज यूज, बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज किया. वैसे ओवरऑल वी आर मल्टीलिंगुअल, और इसमें जो है बैक एंड फोर्थ कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग है. ये एक लिंग्विस्टिक्स में टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं. जब हम लोग अभी मैंने शुरू मैंने इंग्लिश में किया है, अभी एक्सप्लेन मैं उर्दू में कर रही हूँ. सो दिस इज़ कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग. मोनी मोहसिन एम्प्लॉयज़ अ कोलोकियल, मतलब डे टू डे एंड इनफॉर्मल स्टाइल, इस तरह का लैंग्वेज है जो अभी मैं बोल रही हूँ. इस तरह ही इसने नावल लिखा है, इनफॉर्मल स्टाइल. मैं इनफॉर्मल स्टाइल में आप लोग एक्सप्लेन कर रही हूँ. अ डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई जो कि लिटरी पीस का नाम है, मिमिकिंग द वे एन अपर क्लास सोशलाइट माइट स्पीक. अब ये जो नए नए अमीर हुए होते हैं ये किस तरह बोलते हैं, इनकी इंग्लिश कैसी होती है, इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है इंग्लिश की, तो ये इसमें सारा सबको जो है ना इसने मिमिक किया हुआ है. मतलब इसने एक सटायर इस तरह डिस्क्राइब किया है, पेश किया है. द लैंग्वेज इज पेपरेट विद द मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, रिफ्लेक्टिंग द बायलिंगुअल नेचर ऑफ पाकिस्तानी इलीट सोसाइटी. पाकिस्तानी इलीट सोसाइटी इंग्लिश भी बोलती है, उर्दू भी बोलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उर्दू बोलती है, और इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं या उर्दू भी ऐसे टोन में बोलते हैं कि ऐसे लगता है इंग्लिश बोल रहे हैं. सो मोनी मोहसिन यूजेस बटरफ्लाइज फ्लॉड ग्रामर. इस अगर आप लोगों को कभी भी टाइम मिले आप लोग ज़रूर अ डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई पढ़ें. इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, इट इज़ रिटन इन अ ह्यूमरस वे. देखिए ह्यूमरस वे में फ़नी, बहुत फ़नी है. इसकी ग्रामर भी ठीक नहीं है, इसने पता नहीं किस किस किस्म के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. मैल अप्रोप्रिएशन का मतलब है टू यूज़ वर्ड्स इन एन इनकरेक्ट मैनर, या जिन वर्ड्स में एरर होता है. एनहांसिंग द सटारिकल टोन, क्योंकि अब इसने आयरनी या सटायर बताना था, इसीलिए इसने इस तरह के लिखा है, इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह की सेंटेक्स स्ट्रक्चर जिसका सिमेंटिक्स इस तरह का है. ठीक है, द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑफन फ्रेगमेंटिक. फ्रेगमेंटेड का मतलब है समथिंग दैट इज ब्रोकन इन बिट्स एंड पीसेस. तो इसके सेंटेंसेस आधे उर्दू में हैं, आधे इंग्लिश में हैं. उर्दू का सेंटेंसेस है उसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स इनकॉर्पोरेट हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस है उसमें बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स इनकॉर्पोरेटेड हैं. तो
another thing is self-centeredness. Ye social butterfly, she is very much obsessed with herself. She is very much obsessed with the elite society. She is very much obsessed with the lavish lifestyle. Itna luxurious lifestyle, jis tarah ye parties mein jaati hai aur ye sab. So this was just the introduction part. Okay, so talking about the background of this literary piece, so the first thing we have is the diverse ecosystem. Isme bataya gaya hai ki kis tarah vibrant ka matlab something that is colorful. So against matlab ki jo bhi bataya gaya hai wo hamari society mein, hamare environment mein kuch bhi hai, whatever is shown, so wo satire ke taur pe bataya gaya. Satire matlab they do talk about like harmony and whatever she talks about, uska opposite meaning hai, because this is satire, this is what we call it as irony. Theek hai, so against the backdrop of the vibrant, matlab society mein bahut sare colors hote hain, bahut sari positive things hoti hain, but the only thing they have talked about is the negative perspectives. Then we have symbolic butterflies. Butterfly ka jo word hai wo aurton ke liye use kiya jata hai because they are so much infused with beauty, and then fragile beauty ya delicate beauty, fragile human beings hote hain aur delicate beauty hoti hai, and transformative nature. Transformative ka matlab then वो हर चीज़ में अपने आप को सेट कर लेती हैं, हर एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर लेती हैं. सर्व एज अ पावरफुल सिंबल थ्रू आउट द नैरेटिव. सो ये जो बटरफ्लाइज हैं ये उधर इस नॉवल में एलीट औरतों को कहा गया है. एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स, द डायरी फॉर्मेट अलाउज फॉर अ इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स. थीम्स क्या है हमारे पास? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है. स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि when something is divided into sections, जैसे कि हमारे पास क्लास क्लास बेस्ड सोसाइटी है ना, तो elite है, middle है and lower है, then in may be certain subdivisions हैं. then we have personal identity. हर इंसान की आइडेंटिटी एक वो दिखाता है, एक वो हाइड रखता है. सो हाउ मेनी आइडेंटिटीज दे हैव, व्हाट दे शो टू देयर फ्रेंड्स एंड व्हाट दे रियली आर. द पावर डायनामिक्स विद इन सोसाइटी. पावर डायनामिक्स विद इन सोसाइटी का ये मतलब है जितना रैंक हाई है आप लोगों का, जितने इलीट हैं आप लोग, उतना ज़्यादा आप लोगों के पास पावर होगी. द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई इज़ अ सटारिकल नॉवल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, सटारिकल मतलब आयरनी. आयरनी इज आयरनी या सटायर का मतलब यह है, वट एवर यू से एंड यू मीन द ऑपोजिट ऑफ इट. दैट फॉलोज द लाइफ ऑफ बटरफ्लाइज खान, अ वेल्दी सुपरफिशियल सोशल लाइट इन पाकिस्तान. ये एक बहुत ही वेल्दी लेडी होती है, ठीक है. एंड सुपरफिशियल मतलब समथिंग व्हेन यू लैक थॉटफुलनेस फॉर द लोअर क्लास और फॉर द थिंग्स यू रियली थिंक यू शुड थिंक ओवर इट. मतलब जैसे कि ये लोअर क्लास के साथ बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करती, ये उनसे बात करना पसंद नहीं करती. ओके, सो द नॉवल इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ डायरी एंट्रीज. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कोई नॉवल बेस्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया था, ये कॉलम बेस्ड पे लिखा गया था. हर न्यूज़पेपर का नाम फ्राइडे टाइम्स था और हर वीक के एंड में इसकी स्टोरी पब्लिश होती थी, एंड देन ये एक डायरी की सूरत में या शेप में पब्लिश हुआ. दैट डिटेल्स बटरफ्लाइज एडवेंचर्स एंड मिस एडवेंचर्स इन द एलीट सर्कल ऑफ लाहौर. देखिए लाहौर का एरिया बताया गया. सो इसके एडवेंचर्स क्या हैं? इसके एडवेंचर्स ये हैं कि ये पार्टीज में जाए, लग्जूरियस पार्टीज में जाए, ये पार्टी थ्रो भी करे, अपने घर में पार्टीज अरेंज करे. इनके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं एंड दे केयर लेस अबाउट फैमिली लाइफ. लाइक शी नेवर केयर्स अबाउट हर हस्बैंड और हर चाइल्ड. इसका एक बच्चा होता है कुलचू नाम का. सो या एंड थ्रू बटरफ्लाइज आइज मोनी मोहसिन प्रोवाइड्स अ कॉमेडिक येट क्रिटिकल लुक एट द लाइव्स ऑफ द रिच एंड प्रिविलेज्ड इन पाकिस्तानी सोसाइटी. इस पूरे डायरी में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितनी भी चीज़ें पढ़ें वो कॉमेडी बेस्ड है, ह्यूमरस बेस्ड है, ह्यूमर है उसमें बहुत ज़्यादा. तो ये ह्यूमर वे में ही ये क्रिटिकल एस्पेक्ट इसने एक्सप्लेन किया है हमारे पाकिस्तान का या वट एवर, ठीक है. क्रिटिक बताया है ऑफ द लाइव्स ऑफ द रिच पीपल. अभी रिच पीपल क्या है? दे गो टू दर्स. दर्स होता है किसी, आप लोग जाके कुरान की ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन पढ़ें, ठीक है, इंटरप्रिटेशन पढ़ें. ये रिच लोग इस तरह की जाते हैं
इस तरह के इन्वायरमेंट में एंड दे डू नॉट रियली वॉन्ट टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज़, लेकिन इनका पर्पज़ ये होता है कि ये दूसरों के कपड़े देखें, ये दूसरों की लाइफ के बारे में डिस्कशंस करें। सो ये रिच लोग ये करते हैं कि इसने क्या पहना है, क्यों पहना है, इसके पास ये वाला पर्स है, इसकी शी इज़ वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी, इसने ये ज्वेलरी इस फंक्शन में पहनी थी तो ये इसने अभी इस फंक्शन में क्यों पहनी है। सो सच ट्रिवियल कॉन्सेप्ट्स। द नॉवल कैप्चर्स द पोलिटिकल एंड सोशल अपहीवल्स ऑफ द अर्ली 2000s इन पाकिस्तान। ये जो पोलिटिकल एंड सोशल अपहीवल्स है, इस पूरे जो डायरी है या लिटरी पीस है, इसमें ये एज सच नावल के बेस में नहीं लिखा, तो इसमें साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी बताई गई है। इस ईयर में क्या हुआ था, नवंबर में क्या हुआ था, दिसंबर में क्या हुआ था, बेनज़ीर मर गई थी या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई थी। ऑफरिंग अ यूनिक पर्सपेक्टिव्स ऑन इवेंट थ्रू द लेंस ऑफ सेल्फ अब्सॉर्ब प्रोटैगनिस्ट। अब ये बहुत ही एक सेल्फ सेंटर्ड लड़की थी और इसने मतलब मुनी मोहसिन ने इस प्रोटैगनिस्ट को ली कि सब कुछ हमें उसके लेंस से ये पर्सपेक्टिव बताया, पर्सपेक्टिव ऑन इवेंट्स। सो दिस वाज अबाउट द बैकग्राउंड। सो द नेक्स्ट वी हैव इज दैट वी विल टॉक अबाउट द ऑथर। सो मुनी मोहसिन इज अ पाकिस्तानी राइटर एंड अ कॉलमिस्ट। इसने पहले ये जो लिटरी पीस है ये कॉलम्स में लिखा था, ये एक फ्राइडे टाइम्स का जो मैगजीन था उसमें ये आया था एंड देन लेटर ऑन इट टर्म्ड इट एज अ नॉवल। सो शी इज नोन फॉर हर शार्प विट, विट मतलब इंटेलिजेंस एंड सटारिकल प्रोज। प्रोज का मतलब है सटार, मतलब जिसमें आयरनी। प्रोज इज ऑपोजिट टू पोइट्री, समथिंग दैट इज नॉट हैविंग रिदमिक मीटर एंड सटायर मीन्स irony, so what is said and is meant the opposite. So she is born in Lahore and she has craved a niche, carved a niche for herself in both Pakistan and international literary circles. Ab niche ka matlab hai ki isne apni jagah banayi hai Pakistan aur international literary circles mein. Then we have Muni Mohsin. Initially gained recognition through her weekly satirical columns in the Friday Times. I have already told you, ये Friday Times में हर week में ये story आती थी and then later on it termed it as a whole literary piece where she introduced the character of a social butterfly. इसमें जो protagonist का कोई नाम नहीं है तो protagonist जो है social butterfly है. Now her writing often explores themes of class. क्लास मतलब एक हाई इलीट क्लास को डिस्कस किया गया है, मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को जो कि क्लास फोर है. देन वी हैव कल्चर। कल्चर हमारा कल्चर कैसा है और वेस्ट का कल्चर कैसा है, तो जो वेस्ट का कल्चर है वो इलीट लोग फॉलो करते हैं एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान. अब हर ईयर में जितने भी पॉलिटिकल सिनारियोज़ हो रहे हैं इसने इस पूरे नावल में मेंशन किया है यूजिंग ह्यूमर एंड सटायर. इसने बहुत सारी चीज़ों के लिए ह्यूमर यूज़ किया. ह्यूमर मतलब शी टर्म्ड एंड मेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स फनी एंड सटायर मतलब आयरनी है बहुत ज़्यादा. टू क्रिटिक सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर. हमारे सोशल नॉर्म्स कैसे हैं, लोग जाते हैं मदरसों में और उधर की औरतें दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट लुकिंग एट द क्लोथ्स ऑफ अदर्स वेयर आज, या जो भी कल्चर है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कल्चर क्लोथ से रिप्रेजेंट होता है. सो क्लोथ्स को मेंशन किया गया है, किस तरह के जूते पहने हैं और इस तरह की चीज़ें, सही है. सो शी इज़ एन एक्लीम्ड राइटर. ये री नोन्ड या री ओन्ड राइटर है, पाकिस्तानी ऑथर है. और ऑथर और राइटर में ये है कि राइट एनी बडी कैन बी अ राइटर बट ऑथर वो होते हैं जिनके काम पब्लिश होते हैं. सो इससे सोशल कॉमेंट्रीज दी हुई हैं अपनी एंड देन देयर इज कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग. इसकी जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें अच्छी सी स्टोरीज होती हैं
Then we have diverse influence. Her work draws inspiration from rich cultural heritage of South Asia. South Asia का मतलब ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान ये वाले जो countries हैं, इससे सारी story line इधर से, ये इधर से inspired है. So she writes stories about it, as well as her personal experiences and observations. तो ये अपने personal experience, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी writer है, तो ये मोस्ट ऑफ द राइटर्स जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो उसी जगह को उसी जगह की सारी इंस्टेंसेस लेते हैं, एंड देन दे डेवलप अ नावल और पोम और एनी लिटरी पीस. देन वी हैव क्रिटिकल एक्लेम. अब जो है इसका जो काम है वो क्लेम किया गया है बाय अ लॉट ऑफ पीपल. ये वाइड स्प्रेड क्लेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू शेड लाइट ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी सोसाइटी. अब हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जो कंटेम्प्रेरी मतलब जो अभी ऑन गोइंग सोसाइटी है पाकिस्तान की, सो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड देयर फोर शी हैज़ डिस्कस्ड ऑल ऑफ दोज. क्लास डिस्टिंक्शन का एक सब हेडिंग है. क्लास डिस्टिंक्शन का मतलब है हमारे पास कितनी क्लासेज हैं. लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, फिर लोअर में भी लोअर लोअर है, लोअर मिडिल है, लोअर हायर है. देन वी हैव इन द मिडिल, वी हैव मिडिल लोअर, मिडिल मिडिल, मिडिल हायर. देन इन द हाई क्लास, हायर लोअर, हायर मिडिल एंड हायर हायर. नाउ दीज पीपल आर द इलीट, एंड दिस वन इज द मोस्ट इलीट वन. So, talking about the privilege, the diary explores the stark contrast between the privileged and the marginalized. Privileged कौन है? Elite. Marginalized कौन है? Lower class. As seen through the eyes of the social butterfly. Social butterfly जो है protagonist है, और ये जो सारे marginalized हैं ये class 4 को हम लोग कह लेते हैं. सोसाइटल नॉर्म्स हमारे पास क्या हैं? द नैरेटिव चैलेंजेस ट्रेडिशनल क्लास बाउंड्रीज एंड इनवाइट्स रीडर्स टू क्रिटिकली एग्जामिन द कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ सोशल हायरार्की. सोशल हायरार्की हमारे पास क्या है? ये है. सो हमारे पास जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो यही हैं कि ओके, अपने आप को अच्छा रखो, इन मेक श्योर यू मूव इन हायर क्लास. If you belong to the middle, you need to step in the higher. So, traditional class boundaries ये हैं कि if you belong to the middle or the higher class, the elite class, you make sure that you people have that distinction. आप लोग इधर हो, वो लोग इधर हैं, मतलब class 4. You people need not to indulge with them. Then we have inequality. Inequality कहाँ आती है? The story delves into the systematic barriers and unequal opportunities. Unequal opportunities किसके पास होंगी? Definitely lower class के पास होंगी. And perpetuate social stratification within the community. Stratification, एक तो this word is so difficult to pronounce for me. इसका मतलब है to classify something in groups. ठीक है? So हमारे पास socially classes बन चुकी हैं. इलीट है वो लोग इलीट होते रहेंगे, वो लोग इलीट सोसाइटीज़ में मूव करेंगे. हम देन मिडिल एंड लोअर क्लास आर नॉट अलाउड इन दैट इलीट क्लास. सो द नॉवल हाईलाइट स्टार्क क्लास डिस्टिंक्शंस प्रिवेलेंट इन पाकिस्तानी सोसाइटी. सो बटरफ्लाइज इंटरेक्शन विद हर सर्वेंट्स, ड्राइवर्स एंड दो शी कंसिडर्ड beneath her reveal a deep seated sense of entitlement and a disregard of the lower class. Maine aapko bataya hai na ki she does not feel like talking to her servants. So ye sab kuch ye reality hai. Through satire, Moni Mohsen jo ki author hai, critiques the superficiality. Iska matlab hai ki when you lack thoughtfulness when you lack and when you do not think about the people that belong to lower class and the oblivious of the elite who are often insulated from the harsh realities faced by majority of the population. Hamare paas ye sara satire ye hai is novel ka ya literary piece ka ki most of the people do not think that they are doing wrong with their servants.
because they belong to the elite and they think, okay, we deserve much more than them, and though it's not the case. ये नॉवल कैसे एक सटायर है या लिटरी पीस, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सोशल सटायर. सो अ डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई इज़ अ क्वाइसेंशियल सोशल सटायर. नाउ मुनी मोसिन यूजेज ह्यूमर या ह्यूमरस वेज एंड आयरनी टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज द एब्सर्डिटी एंड एक्सेसिव ऑफ द अपर क्लास. अपर क्लास क्या कर रही होती है, हर उल्टे काम जो कर रही है उसको, या वट एवर दे आर डूइंग जो कि एब्सर्ड है इन नेचर. सो उसको हाईलाइट किया है मुनी मोहसिन ने. देन वी हैव बटरफ्लाइज ऑब्सेशन विद दी फैशन पार्टीज. सो अच्छा, अब इसने बताया क्योंकि ये जो बटरफ्लाई है इसको इलीट क्लास का बताया हुआ है, तो शी इज़ ऑब्सेस्ड विद फैशन पार्टीज एंड सोशल स्टेटस. ये अपने घर में कोई ऐसा, शी इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट हर होम, कैसे चल रहा है, क्या घर में खाने में बनेगा, क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, इसका शोहर क्या कर रहा है, एंड हिज हस्बैंड हर हस्बैंड इज़ ऑल इनटू वॉचिंग क्रिकेट. इसका जो बेटा है वो इतना खा खा के मोटा हो गया है, सो उसका नाम है कुलचू. And the next we have is the social status. He's so much conscious about making sure कि ये अपने social status के functions में जाए. So ये he makes sure कि जो अभी fashion में in है कपड़े वो पहन के जाए, so that इसके friends इसके मजाक ना उड़ाएं. Then it serves as a vehicle for Mohsin to comment on the broader social issues. Social issues क्या, इसमें एक social issue ये बताया गया है कि इनमें एक इनकी एक social butterfly की एक friend होती है, वो किसी के साथ भाग जाती है, दो she is married and then उसका husband उसको ढूंढते ढूंढते आता है इनके घर. सो ये हमारे सोशल इश्यूज़ हैं. देन वी हैव पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कंट्री. तो हमारा कभी भी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हुआ, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है और पॉलिटिकली अनस्टेबल है. देन शी टॉक्स अबाउट करप्शन एंड वी कैन एनालाइज एंड इंटरप्रेट दिस नावल थ्रू दिस पर्सपेक्टिव. क्योंकि इसने एक सटायर दिया है कि हमारा कंट्री तो इतना अच्छा है और ये है और वो है, सो इलीट लोगों के लिए तो अच्छा है, दे डू नॉट हैव एनी थिंग to worry about. Then we have cultural identity. Here comes the concept of identity crisis. वो कैसे कि हमारा identity कुछ और है और हम लोग किसी और को follow करें, किसी और के culture को follow करें, तो इधर हमारा आ जाता है identity crisis. Crisis कैसे आ गया, अब हम west को follow कर रहे हैं, हमारा culture पीछे रह गया, बच्चे हमारे वेस्ट को फॉलो करें, सारे इलीट लोग हमारे जो है सोसाइटी के वो वेस्ट को फॉलो करें, सो हमारा कल्चर कहाँ है. सो वेयर इज़ द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज़ लैकिंग. सो वी डू नॉट हैव कल्चरल आइडेंटिटी. हमारा कल्चर कुछ और कहता है, उनका कल्चर कुछ और है, बट इन ऑर्डर टू प्रूव देम सेल्फ एज इलीट क्लास, तो बस इधर आइडेंटिटी, हमारा कल्चरल आइडेंटिटी में मसला आ गया. Now we have four things: satirical lens, cultural commentary, subversion humor, and thought provoking. अभी क्या है ना कि satirical lens में Diary of a Social Butterfly offers a satirical perspective. मैंने आपको अभी first two lines में बताया है, इधर absurdity बताई गई है, hypocrisy बताई गई है upper class की. एक लड़की जो है या member of the society, वो दूसरी लड़की के साथ बैठी है, दूसरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दोनों फ्रेंड्स हैं. नाउ दे वोंट बी गुड विद ईच अदर, ठीक है, दे वोंट बी गुड. नाउ इधर क्या है, हिपोक्रेसी शो हो रही है. देन वी अभी ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है कि किस तरह ये इनकी एक फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और इसका जो हस्बैंड है वो उसको ढूंढते हुए आता है मोनी ये सोशल बटरफ्लाई के घर में. सो अब ये दोनों जो है, दो फ्रेंड्स हैं, ये अब बात कर रही हैं तीसरी लड़की के ऊपर जो भाग गई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ. सो ये अब उसको डिस्कस कर रहे हैं कि ओके, व्हाट हैव शी डन एंड दिस इज़ सो रॉन्ग. देन वी हैव कल्चरल कॉमेंट्री. थ्रू शार्प विट एंड कीन ऑब्जर्वेशन द नैरेटिव शेड लाइट्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोशल डायनामिक्स एंड कल्चरल बेस्ड प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मतलब समथिंग दैट इज़ बाइस्ड. सो
people are biased towards class-based class जो हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशन है ना, डिविजन्स हैं क्लासेस की. सो इधर मोनी मोहसिन अपना इंटेलिजेंस यूज़ करती है और कीन ऑब्जर्वेशन यूज़ करती है कि हमारे पास हमारी सोसाइटी में कितने प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोशल डायनामिक्स, हमारी सोसाइटी में सोशली कितने प्रॉब्लम्स हैं. देन वी हैव सबवर्सिव ह्यूमर. द ऑथर स्किलफुली एम्प्लॉयज ह्यूमर एज अ टूल टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स. अब ये जो पूरा लिटरी पीस है इसको क्यों ह्यूमरस बनाया है, बिकॉज हमारे जो पाकिस्तान के या साउथ एशिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इतने इंटेंस हैं दैट इफ़ यू डू नॉट ऐड ह्यूमर टू इट, इट विल रियली कॉज प्रॉब्लम्स. सो इसने ह्यूमर इस तरह डाला है बाई यूजिंग टू लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस. बाइलिंगुअल मोस्टली सब एशिया में यूज़ भी होते हैं, जैसे कि हम लोग अब तो वी कैन से मल्टीलिंगुअल है, उर्दू भी यूज़ होती है, इंग्लिश भी यूज़ होती है और पश्तो भी यूज़ होती है. बट इफ़ यू एक्सक्लूड पश्तो, सो उर्दू एंड इंग्लिश इसने यूज़ किया है अपने लिटरी पीस में, नावल में, एंड एक्सपोज द कॉन्ट्रडिक्शंस इनहेरेंट इन द स्टेटस को. जो जैसा चल रहा होता है इन लोगों ने उसी तरह नावल में चलाया है. क्रिटिक इनने दी है बट स्टिल दे वर मोर फोकस्ड ऑन मेकिंग श्योर दैट पीपल डू अंडरस्टैंड वट शी इज सेंग बट इन अ वेरी ह्यूमरस वे. देन वी हैव थॉट प्रोवोकिंग. द डायरी इनकरेजेस रीडर्स टू क्वेश्चन देयर ओन बाइसेस, ठीक है, एंड कंसेप्शंस लीडिंग टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इशूज. हमारे पास आप लोग, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू रीड दिस लिटरी पीस बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, बोरिंग भी नहीं है. So once you people read the whole literary piece, then you'll understand that how we people are biased towards our own nation, how we people have developed conceptions about different things, and leading to a deeper understanding of social issues. आप लोगों के ज़रा social issues में जो understanding है या आप लोग comprehend अच्छा कर सकोगे जो हमारे problems आ रहे हैं. Subheading we have is the identity distortion. Identity तो identity होती है और distortion का मतलब है कि when you totally destroy something. So elite लोगों ने अपनी identity पूरी की पूरी destroy कर ली थी, या most of the elite लोगों ने अपनी identity, उनकी कोई identity रहती ही नहीं है, ना वो इधर के होते हैं ना वो उधर के होते हैं. द प्रोटैगनिस्ट आइडेंटिटी अंडर गोज आ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी. पहले ये कुछ और थे, फिर कुछ और हुए, सो एक इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन एज दे ग्रैपल विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर ओन सेल्फ. असल में अब ये लोग जो रियल, दे आर समथिंग एल्स एज रियल बट दे शो द वर्ल्ड समथिंग एल्स. तो जैसे होता है ना टू डबल पर्सनालिटीज़ या डुअल पर्सनालिटीज़, देन वी हैव फ्लूइड बाउंड्रीज. फ्लूइड बाउंड्रीज़ का मतलब है कि प्रोटैगनिस्ट की पर्सनल आइडेंटिटी और मेटाफोरिकल पर्सोना ऑफ सोशल बटरफ्लाई. जैसे कि प्रोटैगनिस्ट भी सोशल बटरफ्लाई ही है, लेकिन इसने मेटाफोरिकल उसको कहते हैं जो कि रियल नहीं हो, ठीक है. सो असल में ये जो प्रोटैगनिस्ट है ये भी, इसका नाम सोशल बटरफ्लाई होता है, इसने एज अ सोशल बटरफ्लाई रखा है. बट प्रोटैगनिस्ट की एक दो पर्सनल, हर इंसान की दो पर्सनालिटीज होती हैं. एक उसने अपने लिए रखी होती है, एक उसने दूसरों के लिए रखी होती है. सो व्हेन ही वांट्स टू शो हिमसेल्फ और हरसेल्फ गुड टू पीपल ही शोज़ दिस वन पर्सनैलिटी. और जब वो अब अकेले में होता है, कुछ सोचता है, तो फिर वो ही इज़ और शी इज़ द रियल वन. देन वी हैव सेल्फ डिस्कवरी. द लेंस ऑफ सोशल बटरफ्लाई प्रोटैगनिस्ट एम्बार्क ऑन पायोनियरिंग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ. अब इस पूरे लिटरी पीस में बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, आयरनी है, सरकाज़म है, सटायर है. तो थ्रू द लेंस ऑफ सोशल बटरफ्लाई हम लोग देख सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट किस तरह अपनी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ को हाईलाइट करती है. सेल्फ डिस्कवरी क्या, ये डिस्कवर करती है किस तरह के फ्लॉज हैं सोसाइटी में. पर्सनल ग्रोथ क्या है कि इफ समबडी इज़ नॉट ओके एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ इज़ नॉट ओके, सो दे मेक श्योर दैट
वो थोड़ा सा ग्रोथ कर लेना, वो एक गलत चीज़ को फिर अपनी पर्सनालिटी में ना इन्वॉल्व करें. सो द नॉवल डेल्व्स इनटू द थीम्स ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्सनल परसेप्शन. हर इंसान को, लोगों को जज करना होता है, परसेप्शंस क्रिएट करने होते हैं. सो इसमें तो आइडेंटिटी की भी, आइडेंटिटी तो अभी तक क्लियर हो गया होगा. बटरफ्लाइज आइडेंटिटी इज़ लार्जली कंस्ट्रक्टेड अराउंड हर सोशल स्टैंडिंग. इसकी सोशल स्टैंडिंग्स क्या थी? सारी इलीट पार्टीज़ में ये जाती थी जिसमें सारे फेक लोग आते थे, इसकी फ्रेंड्स भी फेक. अभी इनकी एक फ्रेंड भाग गई थी तो दो फ्रेंड्स मिल गए, उसके पीछे बात कर रहे थे. सो हाउ अ फेक दे आर इन दैट सोशल स्टैंडर्ड एंड द अप्रूवल ऑफ हर पीयर्स. पीयर्स का मतलब फ्रेंड्स होता है. सो वट एवर दे डू, दे लुक एट देयर फ्रेंड्स फॉर द अप्रूवल. ठीक है, हर एग्जैजरेटेड कंसर्न विद अपीयरेंसेस. अब आप लोग किसी भी पार्टी में जाओ, किधर भी जाओ, यू आर टू मच कॉन्शियस अबाउट योर अपीयरेंस. पार्टी में ना भी जाओ, इवन व्हेन यू आर सिटिंग आइडल एट होम. तो इस तरह की इलीट लोग अपने आप को मेंटेन रखते हैं. एंड सोसाइटल नॉर्म रिफ्लेक्ट्स अ डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ सेल्फ दैट इज कंटिंजेंट अपॉन एक्सटर्नल वैलिडेशन. अब अगर आप लोगों का इस तरह का सर्कल है तो यू विल ऑलवेज बी लुकिंग एट अदर्स फॉर देयर अप्रूवल. तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल वैलिडेशन हो गई है. दिस पोर्ट्रेल इनवाइट्स रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ आइडेंटिटी इन द सोसाइटी ऑब्सेस्ड विद द स्टेटस एंड इमेज. हम जो है बस अपनी आइडेंटिटी पे फोकस रखते हैं कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी कौन है, हमारा सेल्फ क्या है. और सोसाइटी भी अब ऑब्सेस उन लोगों से ही लोग ताल्लुक़ रखते हैं जिनका स्टेटस और इमेज अच्छा होता है. किसी का इमेज बुरा हो, फ्रेंड्स में भी देख लो, उसके पास कोई जाएगा भी नहीं. वाई? बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू बी इन द बैड कंपनी. अब अगर वो बैड हो या ना हो, बट पीपल डू थिंक दैट ही और शी इज़ अ बैड पर्सन, तो वो लोग उसके आस पास भी नहीं जाते. अब किसी की सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छी है, लोग उधर उसके पास जाएंगे. सो दिस इज़ द आइडेंटिटी डिस्टॉर्शन. टॉपिक वी हैव इज द जेंडर रोल्स. सो दिस इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट इज एक्सप्लोर्ड इन द नॉवल. बिकॉज इसकी एक फैमिली बताई गई है सोशल बटरफ्लाई की. हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, वट आर देयर ड्यूटीज, हाउ डू दे गो इन द सोसाइटी. सो बटरफ्लाईज एम्बॉडीज द स्टीरियोटिपिकल इमेजरी ऑफ वेल्दी आइडल वुमेन. स्टीरियोटिपिकल मतलब समथिंग दैट इज़ बेसिक. एंड ये बहुत एक अमीर और आइडियल वुमेन बताई गई है, हुज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सोशल गैदरिंग्स एंड अपीयरेंसेस. लाइक बहुत ज़्यादा लैविश फंक्शंस में जाती थी. मोहसिन क्रिटिक्स लाइक मोनी मोहसिन क्रिटिक्स द लिमिटेड रोल्स अवेलेबल टू वुमेन इन अ सोसाइटी. इसमें बताया है कि इफ़ वुमेन आर नॉट एजुकेटेड इनफ, दे जस्ट सिट एट होम or they go to lavish parties if they are wealthy enough, and most of the burden of their families are taken care by their husbands, where their value is often tied to their beauty. Jitni ladki pyari hogi utna acha usko ghar mein lega. This is what their the concept was. Social connections uske utne acche honge. The more you are ugly, the more people won't accept you in the society. And ability to host lavish parties. If you are rich enough, you have to host such parties. Itne lavish or luxurious parties deni hai friends ko, so that you can maintain your status in the society. Despite her privileged position, butterfly's life is constrained by their societal expectations. Whatever she does, still people expect more from her. So we have feminine ideals. The narrative explores the societal expectations and constraints placed on the protagonist gender identity. एक अमीर औरत है एक सोसाइटी में, उसका वो उसने अपनी आइडेंटिटी जिस तरह की बनाई हुई है, जिस तरह का वो कल्चर फॉलो कर रही है, जिस तरह वो बहुत बेपरवाह माँ है अपने बच्चे के लिए, शी डज नॉट केयर अबाउट हर हस्बैंड. सो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उस पर इस नॉवल में, नैरेटिव में ये एक्सप्लोर किया है. मैस्कुलाइन नॉर्म्स, द स्टोरी चैलेंजेस. मैस्कुलाइन मतलब मेल, फेमिनाइन मतलब फीमेल.
The story challenges traditional gender roles and showcases the protagonist's struggle to transcend societal limitations. Our society is very much limited for women. Society is always like women should sit at home, women should stick to the kitchen. So these are the societal limitations. And gender roles kya hai? कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली बताई गई हैं, ये काम मर्दों के हैं, ये काम औरतों के हैं. सो प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल टू ट्रांसेंड सोसाइटल लिमिटेशंस बिकॉज ही गोज़ आउट ऑफ हर होम, शी डज वट एवर शी वॉन्ट्स. सो ट्रांसेंड का मतलब है टू राइज अबव फ्रॉम समथिंग दैट इज लिमिटेड. सो फ्लूइड आइडेंटिटी, द प्रोटैगनिस्ट जर्नी रिफ्लेक्ट्स द फ्लूइड एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ जेंडर आइडेंटिटी चैलेंजिंग बाइनरी नोशंस. बाइनरी नोशंस का मतलब है कि एक लाइन बना लेते हैं, जैसे कि ब्लैक है, वाइट है, मेल है, फीमेल है, सन है, मून है, मतलब डार्कनेस है तो लाइट है. ये सारे बाइनरी ऑपोजिशंस हैं, बाइनरी नोशंस हैं, थिंग्स दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर. सो ये एक फ्लूडिटी है हमारे पास, इधर फ्लूड है, रिफ्लेक्ट्स द फ्लूड एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी. एक जेंडर क्या करेगा, दूसरा जेंडर क्या करेगा, मेल क्या करेगा, फीमेल क्या करेगा. सो चैलेंजिंग बाइनरी नोशंस. बट हेयर इन दिस लिटरी पीस द गर्ल्स आर डूइंग मच मोर देन दे द वे पीपल से दैट सोसाइटी हैज़ लिमिटेड देम. सो गर्ल्स ऑफ द एलीट्स आर डूइंग मच मोर. Whatever they wish to do, they do. We have the concept of political affiliations. Politically, ये novel कितना बताया गया है कि कितना ये elite लोग कितने connected होते हैं इस country के political scene से. So throughout the novel, political events and affiliations are referred with a satirical lens. Satirical lens, irony, मतलब irony क्यों बताई गई, क्योंकि politically हमारा country इतना ख़राब था उस time 2010 में या 2007 के instances लिए गए हैं. So butterflies apathy towards serious political matters, मतलब something that is of lack of interest. So butterfly had no interest towards political scenarios of the country, contrast sharply with her intense interest in social gossips and trivialities. Trivialities मतलब जो के non-serious या unimportant या insignificant concepts हैं. So social gossips में ये बहुत ज़्यादा involved थी, as well as insignificant activities में. वो activities क्या हैं, parties. Moni Mohsin uses this contrast to critique the detachment of the elite from the political and social issues affecting the country. Now, अभी elites को कोई problem नहीं होता कि country में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. They are just involved in their own life because they have everything. The novel subtly addresses the impact of political instability on different social strata. Strata मतलब something that is that has the division. So politically unstable tha, kis base pe politically unstable tha? We have a lot of things economically theek nahi hai, hamari infrastructure theek nahi hai, hamara kuch bhi theek nahi hai. So because of that reason political instability batai thi. Protagonist perspective kya hai, that it navigates the complexities of their political beliefs and affiliations. ये जो protagonist है social butterfly, ये कहीं जा रही होती है and she was getting dressed and she even asks her husband के how am I looking, and he is so much busy in watching cricket match. So there's the lack care of for their own country, often at odds with the expectation of the social circle. इनके social circles भी ऐसे होते हैं and they do not care my societal expectations. The narrative explores the tension between the protagonist's personal convictions and the political leanings of their community. हमारे societal expectations क्या हैं,
प्रोटैगनिस्ट की जो पर्सनल कन्विक्शंस हैं और पॉलिटिकल लर्निंग्स हैं ऑफ देयर सोसाइटी, सो इसमें टेंशन है बिकॉज लाइक दे डू नॉट रियली कनेक्ट विद ईच अदर बिकॉज सोसाइटी कुछ और है, इनकी पर्सनल लाइफ कुछ और है, दे शो समथिंग एल्स एंड दे आर समथिंग एल्स. देन वी हैव पोलिटिकल लैंडस्केप. द स्टोरी प्रोवाइड्स अ nuanced explanation or examination of the broader political climate. Politics ko discuss kar rahe hain and its impact on the protagonist identity and choices. Hamara political state politically instability hai, politically theek nahi hai. So there is the exact examination of this in this story. And then it has the impact on protagonist's identity because she is always into making choices like वो बिल्कुल हमारे कंट्री के साथ नहीं जा रहे. बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो इस स्टोरी में बताया है कि किस तरह शी इज़ ऑब्सेस्ड विद ज्वेलरी एंड डायमंड्स एंड हाउ मच शी लाइक्स वेल्दी थिंग्स एंड लविश पार्टीज. सो या नाउ टू कंक्लूड दिस होल टॉपिक, so we have a conclusion. A diary of a social butterfly by Moni Mohsen is a sharp, witty and incisive social satire. Simply it is a social satire. So society ko pe irony hai aur satire hai, hamari political instability pe, hamare country pe, hamare elite society pe, that offers a comedy yet critical look at the lives of the Pakistani elite. Sirf elites ko discuss kiya gaya aur jo gareeb log hain unka mazak udaya gaya. So ये एक बहुत कॉमेडिक वे में बताया है क्योंकि इसमें बायोलिंगुअल यूज़ किया गया है. बायोलिंगुअल टेक्निक, एक उर्दू यूज़ की है और एक इंग्लिश यूज़ की है. थ्रू द लेंस ऑफ बटरफ्लाइज खान सुपरफिशियल डायरी एंट्रीज, ये एक डायरी में लिखा गया ये पूरा लिटरी पीस या स्टोरी. मोशन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन, मतलब लोअर क्लास है, अपर क्लास है, एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है. आइडेंटिटी डिस्टॉर्शन, आइडेंटिटी के साथ डिस्टॉर्ट हो गई है हमारी एलीट्स की. दे केयर लेस अबाउट देयर कल्चर, दे केयर लेस अबाउट देयर रिलीजन, दे ओनली केयर अबाउट देयर स्टेटस इन द सोसाइटी. देन वी हैव जेंडर रोल्स. जेंडर रोल्स आर फिक्स्ड, औरतें ये काम करेंगी, मर्द ये काम करेंगे, बट देन इन एलीट स्टिल एवरीथिंग इज डिस्टॉर्टेड. देन वी हैव पॉलिटिकल एफिलिएशंस, इसने अपनी लाइफ के साथ साथ इस कंट्री को भी बताया गया है कि हमारी लाइफ कितनी, हमारी लाइफ में क्या हो रहा होता है, पॉलिटिकल कंट्री की इंस्टेबिलिटी और ये सब बताया गया. द नॉवल्स यूज ऑफ ह्यूमर एंड सटायर नॉट ओनली इंटरटेन्स बट आल्सो प्रोवोक्स थॉट अबाउट द डीपर सोशल इश्यूज फेसिंग बाय पाकिस्तानी सोसाइटी. ह्यूमर किस तरह ऐड किया है, उर्दू के वर्ड्स यूज़ किए हैं, सटायर किस तरह है, बात कुछ और हो रही है, एंड एट द बैक ऑफ दिस स्टेज कुछ और मीनिंग है. सो इट एंटरटेन्स द पीपल एंड प्रोवोक्स थॉट अबाउट डीपर सोशल इश्यूज फेसिंग पाकिस्तानी सोसाइटी. सो पाकिस्तानी सोसाइटी क्या फेस कर रही है, सोशल इश्यूज फेस कर रही है, बहुत सारे इश्यूज फेस कर रही है. सो दिस वाज ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.